कोटा ग्रामीण के दिगोद थाना इलाके से एक नाबालिग घर छोड़कर निकल गई। 15 साल की नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जहां से फिलहाल उसे बालिका गृह में भिजवाया गया है। बाल कल्याण समिति सदस्य विमल चंद जैन ने बताया कि 15 साल की नाबालिग 2 दिन पहले घर से छोड़कर निकल गई थी। घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद बालिका को छबड़ा के दस्तयाब कर लिया है। काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसके पिता शराब के नशे में रोज उससे मारपीट करते हैं। इससे परेशान होकर वह घर छोड़कर निकल गई। वह दिगोद में सीधा कोटा आई और यहां आकर अपने एक दोस्त को फोन किया। इसके बाद वह छबड़ा चली गई। फिलहाल बालिका को बालिका गृह में भिजवाया गया है। उस 164 के बयान करवाए जाएंगे, जिसके बाद उसका पुनर्वास किया जाएगा। इधर कोटा रेलवे स्टेशन पर 2 बच्चों को भी निराश्रित हालत में घूमते हुए दस्तयाब किया गया है। चाइल्ड लाइन ने दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। सामने आया है कि घर के बाहर खेलते खेलते दोनों घूमने निकल गए और स्टेशन तक पहुंच गए हैं। बोरखेड़ा पुलिस के CI भंवर सिंह ने बताया कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। दोनों बच्चे अन्य कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बच्चों के पिता मजदूरी करते हैं, ऐसे में उनके बारे में पता करवाया जा रहा है। एक नाबालिग वाले का जो 15 साल की है, लिगोर थाना क्षेत्र से अब्दुल कलाम ने आज आश्रय मेरे प्रस्तुत की। बालिका का कहना है कि उसे माता पिता उसको शराब पीकर मारपीट करते थे, मारपीट करते चलते मैं यहाँ से जैसे पलायन